सुनोगे ध्यान से? कहानी सुनेंगे हम। कौन कौन सुनेगा? मैं। अच्छा सब ठीक है, अब सब ध्यान से सुनेंगे, है ना। एक ना कछुआ था और एक हिरन था, वो दोनों ना दोस्त थे। एक दिन हिरन और कछुआ दोनों जा रहे थे, घूमने जा रहे थे जंगल में। हाँ तो फिर ना कछुआ कहता है, मैं तो बहुत धीरे धीरे चलता हूँ और लेकिन आप तो बहुत तेज तेज भागते हो। तो वो हिरन कहता है, हाँ मैं तो बहुत तेज भागता हूँ। तो हिरन ये सुनकर ना बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी जल्दी पवित्रा और तेज भागने लगता है। तेज भागता है तो आगे एक पत्थर आता है और वो उससे टकरा कर गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है और उसको पैर में चोट लग जाती है और वो बहुत तेज हो गया। तभी ना वहाँ पर एक बंदर आता है, वो उसको प्यार से उठाता है। वो कहता है, क्या हुआ? वो फिर भी रोता रहता है, उसको नहीं बताता। फिर जब बंदर चला जाता है तो वहाँ एक भालू आता है, भालू उसको गोद में उठाता है हिरन को, फिर पूछता है क्या हुआ, तो वो फिर भी कुछ नहीं बताता, है ना। फिर रोने लगता है। तभी हिरन की माँ आती है वहाँ पे। हाँ हिरन की ना मम्मी आ जाती है, वो उनको देखकर रोता है। जब हिरन की मम्मी उनको गोद में उठाती है ना, फिर वो चुप हो जाता है। फिर वो पूछती है, क्या हुआ बेटा? तो कहता है, मुझे चोट लगी है। तो हाँ उसकी माँ उसको प्यार से हाथ लगाती है तो वो खड़ा हो जाता है और खुशी खुशी अपनी मम्मी के साथ घर चला जाता है। क्लैपिंग करो। अच्छा अब मुझे ये बताओ, हिरन और कछुआ कहाँ पे दौड़ रहे थे? कहाँ दौड़ रहे थे? जंगल। हिरन ने क्या किया, जल्दी जल्दी क्या किया उसने बताओ? बहुत सारे थे, शेर थे। अच्छा कभी जंगल गए हो? जंगल देखा है? अच्छा जंगल में, अच्छा बताओ और कौन कौन होता है? शेर और बंदर। और कौन होता है जंगल में? भालू और कछुआ और भी होते हैं ना, बहुत सारे जानवर होते हैं जंगल में। तो और कौन होता है? बंदर। बंदर भी होता है और बहुत सारे होते हैं।